हेलो स्टूडेंट्स, बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी ग्रुप डी स्टेनो की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। देखिए, सबसे ज़्यादा बच्चों को जो दिक्कत आ रही है वो करेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर आ रही है, क्योंकि काफ़ी बच्चों के जो है वो डीवी लेटर आना स्टार्ट हो गए हैं। तो जब वो डीवी लेटर खोल रहे हैं तो उसमें जो है वो करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं आ रहा है उनके साथ, तो उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो रही है कि करेक्टर सर्टिफिकेट मांगा भी गया और कोई करेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट उनके पास आया ही नहीं है, तो वो कैसे बन पाए। तो इसका तरीका ये है कि मैंने आप लोग के लिए एक इंटरनेट से जो है वो करेक्टर सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लिया है, क्योंकि करेक्टर सर्टिफिकेट लगभग लगभग सबका सेम होता है। अगर आपके डीवी लेटर में नहीं आया तो क्या करिए, मैं आपको पीडीएफ में भेज दूंगा, आप उसको प्रिंट करा लीजिएगा साइबर कैफे से और दो कॉपी इसकी निकलवा लीजिएगा, क्योंकि आपको दो कॉपी लगानी है और एक रजिस्ट्रेड ऑफिसर के इस पर साइन करा लीजिएगा, एक इस पर। जैसे कि आपको ये देख, मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया है कि इस टाइप से आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है, उसमें अपना नाम, पिताजी का नाम, फिर आपका जिस रजिस्ट्रेड ऑफिसर से आप साइन करा रहे हो वो अपना सिग्नेचर मारेंगे, अपना नाम लिखेंगे, फिर उनका जो पद होगा वो लिखेंगे वो, और आप अपना एक फ़ोटो ज़रूर चिपका लीजिएगा, ठीक है। कहीं पर भी नीचे अपना एक फ़ोटो लगा लीजिएगा, ठीक है। इस फोटो पे जो आपके रजिस्ट्रेड ऑफिसर होंगे वो साइन मारेंगे और यहाँ पर जो है एक मोहर ज़रूर लगवा लीजिएगा, मोहर इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगर मोहर आप नहीं लगाओगे तो ऐसा लगेगा कि कहीं डुप्लीकेट टाइप का तो नहीं बनवा लिया इन्होंने, तो मोहर ज़रूर लगा दीजिएगा और इसकी दो कॉपी बना लीजिएगा, एक ये बना लीजिएगा और एक ये, ठीक है। यहाँ पर फोटो, यहाँ पे पहले रजिस्ट्रेड के साइन होंगे और यहाँ पे दो दूसरे रजिस्ट्रेड के साइन होंगे। तो ये आपको मैं पीडीएफ कहाँ भेज दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा, मैं भेज दूंगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी जुड़े हैं या फिर आप नहीं जुड़ पा रहे किसी वजह से, तो आप मुझे इस नंबर पर, ठीक है, इस नंबर पर जो है आप मुझे हाय हेलो लिख दीजिए, या फिर ये लिख दीजिए सर मैं ग्रुप डी में सेलेक्ट हूँ या ग्रुप सी में सेलेक्ट हूँ या स्टेनो में सेलेक्ट हूँ, तो मैं आपको तुरंत जो है वो ग्रुप में जोड़ लूँगा, ठीक है। तो मैं तुरंत आपको ग्रुप में जोड़ लूँगा और आपको करेक्टर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसका प्रिंट ले लीजिएगा। कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है कि हाँ अरे सर फॉर्मेट ये रहेगा ये रहेगा, करेक्टर सर्टिफिकेट नॉर्मली यही होता है, उसमें मायने रखता है कि कौन रजिस्ट्रेड ऑफिसर आपके साइन कर रहे हैं, बस वो डिपेंड करता है, आपका फोटो डिपेंड करता है, फॉर्मेट आपका कोई भी हो सकता है, चल जाएगा। अच्छा, और दूसरा आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपका लगेगा स्कूल या कॉलेज का, तो स्कूल या कॉलेज का अगर आपके ने आपके पास पहले का रखा है तो भी ठीक है, अगर नहीं बना है तो जाके बनवा लीजिएगा। जो भी आप अपना स्कूल या कॉलेज जो है वो दिखा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा इंटर क्लास दिखा रहा है तो अपने इंटर स्कूल का उसके पास करेक्टर सर्टिफिकेट 3 साल पुराना 5 साल पुराना पड़ा हुआ है तो वो भी चल जाएगा, अगर उस समय उसने नहीं बनवाया है तो वो अभी जाकर बनवा ले। अगर मान लीजिए अभी स्कूल या कॉलेज बंद हो गए तो आप जब आप डीवी कराने जाओगे तो आप बोल दीजिएगा सर अभी कॉलेज स्कूल बंद हो गए हैं तो मैं आगे थोड़ा सा टाइम आप मुझे दे दीजिएगा, मैं आगे इसको जमा कर दूंगा, तो भी काम चल जाएगा। लेकिन कोशिश आप यही करिए कि जिस कॉलेज या स्कूल से आप निकले हो तो वहाँ पर अगर आपके पास पहले का करेक्टर सर्टिफिकेट है तो भी चल जाएगा, नहीं बनाए तो जाके कॉन्टेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ये करेक्टर सर्टिफिकेट आपका स्कूल या कॉलेज का तुरंत वाला नहीं चाहिए, पहले का आपके पास है तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो जाके बनवा लीजिएगा। और एक आपका जो शपथ लगेगा ये नोटरी वकील से बनवा लीजिएगा, ठीक है, ये नोटरी वकील से बनवा लीजिएगा, वो लिख देगा कि इनके ऊपर कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं है और मैं इसको प्रमाणित करता हूँ, और एक स्टैम्प लेके मोर मोर मार देगा, आपका साइन बाइन करा लेगा, बस आपका सारे लगभग डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएंगे। और किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम हो तो आप किसी भी समय मुझे कॉल कर दीजिएगा। मैं मेरा अब मकसद ये है कि आप लोग का बस फाइनल सिलेक्शन हो, मतलब फाइनल ज्वाइनिंग हो जाए आप लोग की, और आप ये ग्रुप पर जो है वो लंबे समय तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि अभी आपको ट्रांसफ़र भी लेना है तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र वगैरह भी आप लोग इस पर अप्लाई कर देना कि कोई बच्चा किधर हो गया है, कोई बच्चा किधर चला गया है, तो आपस में म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए भी लगा दीजिएगा। तो ग्रुप ये आपका बहुत लंबे समय तक आपके काम आने वाला है, ये नहीं कि आपने ज्वाइन कर लिया तो ग्रुप से बाहर आ जाए, तो आपको और भी अपडेट्स मिलती रहेंगी और ट्रांसफ़र के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा। या फिर कभी होगा कि आप किसी दूसरे से पूछ सकते हो कि भाई तुम्हारे यहाँ डिपार्टमेंटल वैकेंसी आई, मेरे क्या नहीं आई, तो ये ग्रुप आपका बहुत काम करेगा। और मैं तो इस ग्रुप में जुड़ा ही रहूंगा, सौम्या मैम भी जुड़ी रहेंगी, तो कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।